लिविंग विथ ब्रेन ट्यूमर, कहानी है शिव की। उन्होंने शेयर किया है कि कैसा होता है एक ब्रेन ट्यूमर के साथ जीना। ये सुनने में थोड़ा सा विचित्र लग सकता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। शिव को थोड़े वक्त पहले माइग्रेन था, तो उन्होंने ब्रेन स्कैन करवाया और उससे पता चला शी वॉज डायग्नोस्ड विथ ब्रेन ट्यूमर। फिर वो गई न्यूरोसर्जन के पास, तो न्यूरोसर्जन ने बोला कि हम आपकी ब्रेन की बायोप्सी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्यूमर है वो ऐसी जगह पे था जहाँ से बायोप्सी करना रिस्की था। तो उनका ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन 5.5 घंटे तक चला। फिर जो रिजल्ट्स आए उसे पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 ट्यूमर था। उनके 3 बच्चे थे, तो सर्जरी के वक्त उन्हें ख्याल आया कि क्या होगा उनका अगर मुझे कुछ हो जाए। लेकिन उन सब के बावजूद उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उनके हेयर भी वापस आने लगे, उनमें रिकवरी भी देखने को मिलने लगी। वो बोलती है कि ये कोई टूटे पैर जैसा नहीं है कि आप देखकर बता सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, ठीक है या नहीं है। सर्जरी के 6 साल तक उनकी लाइफ नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और वो हर 6 महीने में एक बार स्कैन करवाती थी। लेकिन फिर 2013 में उन्हें एक बार सीजर फील हुआ। सीजर मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अभाव होना। तो उन्होंने MRI करवाया और MRI में कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उन्हें वापस सीजर फील हुआ, तो उन्होंने वापस से MRI करवाया, उस वक्त भी कुछ भी पता नहीं चला। तो उन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी MRS करवाया, तब पता चला दैट ट्यूमर कम्स बैक। उन्होंने वापस से सर्जरी करवाई और इस बार जो ट्यूमर था वो ग्रेड 3 का था। उन्हें पता है कि दर्द होगा, लेकिन वो अब भी हारना नहीं चाहती है। 18 साइकिल कीमोथेरापी डोज लेने होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुबह उठती है, अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाती है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर कितने चांसेस है मेरे ट्यूमर को वापस ना आने के, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ट्यूमर इस प्रकार का है कि वो कभी भी वापस आ सकता है। देयर इज नो क्योर, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, क्योंकि जो ट्यूमर है वो टेम्पोरल लोब के करीब है और टेम्पोरल लोब हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो अब भी हर 3 महीने एक बार स्कैन करवाने जाती है और वो बोलती है कि मैं सब कुछ तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए हर एक दिन चैलेंज है। लाइफ में जो कुछ भी पीछे गया उन्हें मुड़कर नहीं देखती, लेकिन अभी जो मेरे पास समय है और अभी जो मेरे पास है और जो आने वाला है उसी से ही बस खुश रहती हूँ। कई बार हमें लगता है कि दुनिया में मैं ही अकेला एक इंसान हूँ जिसे सारी प्रॉब्लम है, जिसे सारे दुख है, जिसे सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन हमें किसी और की स्टोरी पता ही नहीं होती। जैसे कि शिव की स्टोरी, उसे ही पता नहीं कि वो कितने साल जीने वाली है, 6 साल, 10 साल, 6 महीने, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ ढूंढ लेती है, फाइट करने की चाहत ढूंढ लेती है, जीने की वजह ढूंढ लेती है, लड़ने की एनर्जी ढूंढ लेती है और हर रोज वो लड़ती रहती है। तो आप तो कर ही सकते हैं। द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस स्टोरी, इसकी एक्सेप्ट करना सीखो। जो हो गया है वो हो गया है, अब वापस नहीं आने वाला है, तो उसे एक्सेप्ट करो और उससे कैसे बाहर निकले वो सोचो। नेवर लूज योर होप। एंड नंबर 2, बिलीव इन योर सेल्फ। फाइट करना है, लड़ते रहना है, सर्वाइव करना है, हारना नहीं है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।